गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेरा होटल है भोपाल में, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही। और आज ये यहाँ से नागपुर जाने वाले हैं, ट्रेन का सफ़र करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये मेरा रूम दिखा देता हूँ। सामान की जिम्मेदारी खुद की होगी, हिंदी इंग्लिश में दोनों जगह। ये डबल बेड 500 रुपये में, दो रात में यहाँ रुका, 1000 रुपया मैंने दिया पर नाइट का, 500 रुपये। कूलर लगा हुआ है, ये अटैच बाथरूम है, काफ़ी बड़े बड़े हैं बाथरूम, देखें आप काफ़ी बड़ा है। रूम देखेंगे आप यहाँ से तो काफ़ी बड़ा है, बड़ा साइज रूम का। और अलमीरा है, जैसे आपने देखा, सोफा है, टेबल है, साइड टेबल है, चार्जिंग के पॉइंट हैं, सब कुछ अवेलेबल है जो हमें एक चाहिए होता है बेसिक। और ये बड़ा सा शीशा जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे, आज का सफ़र शुरू करते हैं, बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस सफ़र को आप भी इंजॉय करें। आइए चलते हैं। और ये हमारे होटल का रिसेप्शन, ये रिसेप्शन के लोग यहाँ पर, और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब आप देखें, काफ़ी खुला खुला, काफ़ी बड़ा सा। और ये यहाँ बुद्धा की स्टैचू है, बुद्धा की मूर्ति। कितने रूम है यहाँ पर सर? 24। कितना? 24, 24, 24। क्या प्राइस से, क्या प्राइस, क्या रेंज में होगा, कोई आके रुकना चाहे तो? सेवन हंड्रेड से 1100 तक है। एसी भी है? नॉन 1600 एसी का। अच्छा, और सिंगल आदमी आए तो उसके लिए 1200, सिंगल के लिए 1200 एसी वाला। और नॉन एसी का? नॉन एसी का 900 रुपये, 900। अच्छा अच्छा, अलग अलग प्राइस है। क्या नाम आपका? राम है। रामहित भाई, ओके रामहित भाई, यहाँ मिलते हैं आपको। तो ये यहाँ का हिसाब किताब आप देख लीजिए कभी आते हो। ये इसका लोकेशन क्या होगा? ये अल्पना नियर 6 नंबर स्टेशन, पुराना भोपाल। पुराना भोपाल है, 6 नंबर के नज़दीक अल्पना है, पास में हमीदिया रोड के ऊपर है। और क्या नाम रहता है अपना होटल का? होटल रिचा। होटल रिचा, होटल रिचा आपको मेन रोड पर हमीदिया रोड पर मिल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आज का सफ़र शुरू करते हैं। और ये होटल के बाहर से सामने का व्यू, ये सामने रेलवे स्टेशन, और ये लाल बस जो सिटी में चलती है, और ये यहाँ का लोकेशन है, ये हमीदिया रोड है, और ये होटल है, होटल रिचा, काफ़ी बड़ा है। और ये कॉर्नर का इधर, ये सामने अल्पना सिनेमा है, जैसे भाई ने बताया था, ये सिनेमा का कंपाउंड है साथ में, ये आप देखेंगे तो अल्पना सिनेमा। और ये 6 नंबर की तरफ जाता हुआ हमारा रास्ता, आइए चलते हैं। और ये स्टेशन से पहले ही, ये स्टेशन हमारा सामने है भोपाल जंक्शन, आप देखेंगे तो ये स्टेशन से पहले ही भैया ने यहाँ पर ये कर रखा है रेल, जनरल रेल टिकट घर, यहाँ से हमने टिकट भी ले लिया है 155 रुपये का नागपुर का। धन्यवाद भैया आपने टिकट दिया जी। भोपाल जंक्शन आप पे आपका स्वागत है। ये स्टेशन पे हम आ गए हैं, ये जंक्शन का एंट्री गेट, और ये सामने एक रेल का डब्बा, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो आइए चलते हैं, टाइम कम ही रह गया, दौड़ते हैं थोड़ा सा। और ये आज की हमारी ट्रेन जो अभी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है भोपाल में। और ये देखिए आप ट्रेन जो चेन्नई तक जाने वाली है। और ये हमारी ट्रेन, हम आ चुके हैं अंदर और तकरीबन खाली है। ये मैंने सामान यहाँ रख दिया है, आप देखेंगे तो ये बिल्कुल खाली है।
ये हमारी सीट भोपाल से रवाना हो चुकी है ट्रेन अभी। और ये अभी हम इटारसी पहुंच गए हैं, इटारसी जंक्शन। इटारसी जंक्शन और अभी इटारसी जंक्शन से गाड़ी रवाना हो चुकी है। 10 मिनट का स्टॉप था। इटारसी जंक्शन अभी क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं बैतूल स्टेशन और बैतूल
भोपाल से तकरीबन 170-180 किलोमीटर चलने के बाद में, और हमें नागपुर जाना है। नागपुर भी यहाँ से तकरीबन 170-180 किलोमीटर रह गया, यानी बैतूल नागपुर और भोपाल के सेंटर में पड़ता है। और अभी 11:08 हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे चल रही है, और ये बैतूल का रेलवे स्टेशन जहाँ अभी गाड़ी हमारी रुकी हुई है। 5 या 10 मिनट का स्टॉप होगा, उसके बाद चलेगी आगे। पूरी सब्जी, समोसा, पानी बोतल ये यहाँ पर वेंडर बेच रहे हैं बैतूल में। ये बैतूल से हमारी गाड़ी रवाना हो गई अभी नागपुर की तरफ, और ये बैतूल का स्टेशन। वैसे ये गाड़ी जयपुर से आई है और आगे चेन्नई तक जाने वाली है, लेकिन हमने इसमें भोपाल से शुरू किया और नागपुर में उतर जाएंगे। ये अभी पांडूरना स्टेशन आ गया है। बहुत सारा आसपास काम चल रहा है स्टेशन के। स्टेशन के अंदर कुछ लाइटें गिर रही हैं, कुछ काम, बहुत सारा काम यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग लगे हुए हैं पांडूरना स्टेशन के आसपास, ग्रोथ हो रही है। इधर का व्यू है, और ये था काटोल स्टेशन, जिस पे 1 मिनट गाड़ी रुकी और वापस चल पड़ी है। अब आगे नागपुर नज़दीक ही है, गाड़ी टाइम पे चल रही है, जल्दी ही नागपुर पहुंच जाते हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस पूरे सफर को एंजॉय करते रहे।
इस तरह से ये यात्रा हमने इस गाड़ी में की। एक चीज़ देखने को मिली इस गाड़ी में, ये जनरल के कमांडमेंट है और तकरीबन सब खाली हैं। ये जयपुर से चेन्नई की गाड़ी है और इसमें सेकंड क्लास में बिल्कुल खाली है। और जो वेंडर अंदर काम करते हैं, चाय सप्लाई दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, जो भी सप्लायर जो वेंडर अंदर घूमते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस गाड़ी में सवारियां बहुत कम होती हैं जनरल में। तो यदि आप ये गाड़ी का आप नंबर देख लीजिए, जयपुर से MGR चेन्नई सेंट्रल 12968, ये गाड़ी, इसमें आप सफ़र करते हैं तो आपको आराम से जनरल में बगैर बुकिंग के सीट मिल सकती है। आज का मेरा एक्सपीरियंस ये था, लेकिन यही बात यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें सवारियाँ जनरल में कम चलती हैं, तो आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। आज की हमारी गाड़ी ये थी जो नीचे खड़ी है, और ये आप देखिए यहाँ नागपुर में भीड़। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।